This story is brought to you by tapeatale.com. एक दिन अचानक यूं हुआ कि एक पुरानी किताब खुली। पन्नों के बीच एक सूखा पत्ता था, जिसे देख मेरे होठों पर मुस्कान खिली। फिर याद आया कि कभी इसी पत्ते को देख खूब शर्माती थी, कभी इसी पत्ते को देख सारा सब कुछ भूल जाती थी। उस दिन फिर खिड़की पर बैठे चाय का कप किनारे रखकर, पेड़ों की शाखों से यादों का एक खट्टा आम चककर, 11th का वो वक्त याद आया। 11th का वो वक्त याद आया जब किसी की भोली मुस्कुराहट पर निकल जाती थी बायोलैब से यूं ही बेसुध होकर, वो कॉमर्स में था। जब किसी की भोली मुस्कुराहट पर निकल जाती थी बायोलैब से यूं ही बेसुध होकर, आज फिर वही बेखुदी हो चली थी। आज फिर सावन से मई की धूप भली थी। इस धूप में गर उनका नजारा हो, उम्मीद थी मोहब्बत से मोहब्बत दोबारा हो, और पेड़ों की टहनियों को देखकर यूं शर्मा रही थी मानो उन्हीं में तारीफों का पिटारा हो। एंड कॉन्फिडेंस, खुद को यकायक मानने लगी थी वहीदा सी खूबसूरत, और शाहरुख सी लगने लगी थी उस कमबख्त की मुस्कुराहट। उसे सोचकर फिर कविताएं रचने लगी थी, उसे देखकर फिर भीड़ों से बचने लगी थी। मेरे बैकग्राउंड में परपेचुअली पहला नशा बजने लगा था। टू बी ऑनेस्ट, पहला नहीं था और हर बार की तरह पहले जैसा ही लगने लगा था। खैर, स्कूल में तो था कम से कम कॉरिडोर, अब तो सिर्फ फेसबुक का ही सहारा था। उसकी हर प्रोफाइल पिक्चर पर हमने बार बार दिल हारा था, और ये खुमार कॉरिडोर में कहां, सिर्फ एक कंप्यूटर का कसूर था। एक डब्बे को देखकर मुस्कुराए जा रही थी, घबराए जा रही थी, ये अजब फितूर था। हर रोज घंटों अलमारी के सामने बैठकर अपने ही कपड़ों को निहारती थी, और फिर उस कपड़े के ढेर से उसी का वो एक फेवरेट टाइप कमीज निकालती थी। ये माजरा अगर लंबा चलता तो बेचारी कमीज घिस जाती, मेरी मोहब्बत के चक्कर में वो शहीद हो पिस जाती। क्योंकि फटी जीन्स और टी शर्ट वाली एक लड़की अब जनाना अदाओं से सराबोर थी, और कल तक जिनका मजाक उड़ाती थी आज खुद वही हराम खोर थी। नई चीजों से अब नया नया रिश्ता जुड़ने लगा था। अब पर्स जो पहले झोला था, पर्स में अब ग्लॉस और कंघी के लिए जगह थी। एक लठ माथे पर हर रोज बड़ी तमीज से उड़ने लगा था। आईने के दर्शन यूं ही दिन में 100 बार हो जाते थे, और आंखों में काजल के बगैर हम बाहर कहां जाते थे। कानों में झुमका डटा सा रहता था तो हाथों को चूड़ियों ने मानो लीच सा जकड़ा था। पहले बेसुरी बेतुकी थी बातें सारी, अब हाय हलो ने भी फिल्मी सुर पकड़ा था। हर प्रेम कहानी मेरी वाली से कम रोमानी, लेकिन हर पिक्चर मुझ पर बनी सी लगती थी। प्रेम की टूटी फूटी डोलती सी टहनी अब तनी सी लगती थी। हर गाना हो मानो मेरे हृदय का आंखों देखा हाल, इसी क्रीड़ा में बीता मेरा पिछला पूरा साल। आगे वही हुआ, इनेविटेबल। मोहब्बत के पत्ते गए सूख, अमर प्रेम सब लौट गए। मेरी व्यक्तिगत प्रेम कहानी में क्राइम मास्टर गोगो और तेजा जीत गए। फिर औकात, खिड़की से लौट आई हूँ सोफा पर। पहले यूं ही रच देती थी महाकाव्य, अब अटकती हूँ हर दोहा पर। पर्स बन गया वापस झोला, गंगी गई खो, ग्लॉस की दमक भी अब मंद है। गानों की तो बात ही मत कीजिए, रोमांटिक गाने अब हमें जरा कम ही पसंद है। आईना बेचारा अब अकेला रहता है हमारे मन की तरह, और मुई जुल्फे सुनती नहीं है, हमेशा बिखरी रहती है हर जगह। लेकिन दोस्तों, ज्यादा दुख की बात नहीं, होगी फिर बिन बादल बरसात यहीं। अमर प्रेम चले गए तो क्या आमिर सलमान आ जाएंगे, यहीं इसी खिड़की पर नए ख्वाब घर कर जाएंगे। थैंक यू।